नमस्कार वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो। तो आज हम लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी कारण से सिंगल्स मानते हैं तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये 13 मार्च से 20 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि जानते हैं आप, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो करंट, जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो कैसी रही है और करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर उनकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन डील कर रहा है तो क्या वो उनकी लाइफ में वापस आ रहा है, और अगर किसी नए पर्सन से वो डील कर रहे हैं तो क्या वो, क्या कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है, और इस रिश्ते का, इस सिचुएशन का कि गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी जो वर्गो हैं उनकी पास्ट, जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो क्या है, करंट एनर्जी क्या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है तो वो क्या, उनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। द एम्परर, तो आपकी जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही है तो आप काफ़ी अपनी लाइफ में क्रिएटिव रहे हैं, काफ़ी नेम फेम आपने कमाया है, काफ़ी लग्जरी लाइफ आपने जी है, जिनके साथ आपका रिश्ता बना है, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपकी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो काफ़ी खुश अपने आप को समझ रहा है, खुश किस्मत समझ रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में आया है या आ रहा है तो वो काफ़ी खुश रहने वाला है, काफ़ी क्रिएटिव रहने वाला है, काफ़ी लग्जरी लाइफ जीने वाला है और नेम और फेम कमाने वाला है। तो जो रिसेंट पास्ट एनर्जी रही है वो काफ़ी खुशियों से भरी रही है, काफ़ी एनर्जेटिक रही है, काफ़ी आप उसके साथ घूमे हैं, फिरे हैं, मौज मस्ती की है, काफ़ी पार्टीज़ में काफ़ी उनके साथ आपने अपना टाइम स्पेंड किया है। तो और अगर तो काफ़ी, और 12 की 12 राशियों ने आपका पास्ट में आपको इनका साथ मिला है, तो काफ़ी हैप्पी रहे हैं, काफ़ी खुश रहे हैं, काफ़ी लग्जरी लाइफ जी है, और नेम और फेम काफ़ी अच्छा शायद आप इसमें कमाया है, और फ्रूटफुल आपकी लाइफ आगे जाकर हो सकती है। तो ये करंट फीलिंग्स आपकी क्या है, तो कोई ना कोई जो करंट फीलिंग्स है उसमें लग रहा है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपका होने जा रहा है, किसी न किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं, कोई मैसेज के थ्रू, कोई कॉल के थ्रू, कोई ना कोई रिश्ता आपका बनने जा रहा है, और हो सकता है कि आपका पार्टनर कोई फॉरेनर है, कोई विदेश में रहता है, या तो आप किसी विदेशी पार्टनर से डील कर रहे हैं, या तो कोई विदेशी जो दूसरे फॉरेन कंट्री में रहता है वो आपसे डील करना चाह रहा है, वो आपसे बातें करना चाहता है, चैटिंग करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, और आपको चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर जांच पड़ताल करके ही आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ये काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपसे बातें करने के लिए आपके साथ वो चैटिंग चाह रहा है, कोई मैसेज चाह रहा है, कोई कॉल चाह रहा है, या सामने से मिलना चाह रहा है, या फिर हो सकता है कि आप उनसे ऐसा करना चाह रही हैं। तो करंट की फीलिंग्स आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिखा रही है। तो क्या पुराना पर्सन जिसको आप जानते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? डेथ, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ कुछ चेंज आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब आप वो नहीं रहे हैं जो पहले हुआ करते थे, वो सभी कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बदला सा हो रहा है, ना आपका वो प्यार रहा है, ना वो मोहब्बत रही है, ना बातें करने का तरीका, ना वो लोग, ना वो दुनिया, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, उनको सब कुछ बदला सा लग रहा है, और वो आपके जो पास्ट का पर्सन है वो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहा, वो चाह क्योंकि उनको लग रहा है कि आप वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, आप सब कुछ आप बदला सा रहा लग रहा है, सब कुछ चेंज होता लग रहा है, आपका बातें करने का ढंग, आपका
चलने का ढंग, आपका रहने का ढंग, सब कुछ उनको काफी चेंज महसूस हो रहा है। तो वो अभी फिलहाल के लिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहे, आपसे कोई बातें करना नहीं चाह रहे। तो क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है? तो वो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने से पहले वो चाहता है, वो चाहता है कि आप, और आकर वो आपको काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहता है, खुशखबरी चाहता है। वो आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, नेम फेम करियर बिजनेस जॉब सब कुछ वो चाह रहा है कि सबसे पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने किसी तरह की इन द फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो वो आप और फ्रीडम में, आज़ादी में वो आपके साथ जीना चाहता है, वो काफ़ी खुश रहना चाहता है, और वो चाह रहा है कि कोई परेशानी कोई दिक्कत लाइफ में ना हो। तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उससे, और वो चाहता है कि सबसे पहले आपके साथ, बहुत जल्द वो आ रहा है क्योंकि ये एक खड़ी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपके साथ अपनी लाइफ स्टेबल करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, नेम और फेम चाहता है, और इस रिश्ते को, इन चीज़ों को फ्रूटफुल बनाना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं चाह रहा है कि इन सब कुछ स्टेबल हो, सब कुछ कामयाब हो, नेम और फेम कमाए, स्टेबिलिटी आए लाइफ में। या फिर वो चाह रहा है कि वो खुद सबसे पहले स्टेबल होना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले आप उनके, आप अपने पैरों पर खड़े हों, आप स्टेबल हों, और तभी आप उनको ये गुड न्यूज़ दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो वो आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बातें करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको देने के बारे में सोच रहा है। तो इस रिश्ते के की गाइडेंस क्या रहने वाली है? ये इसमें आपको मिलजुल कर टीम वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप टीम वर्क करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, इस रिश्ते को लोगों की, किसी की सलाह से, किसी बड़े गुरु की सलाह से, या मेंटोर की सलाह से, या बड़े भाई बहन, कोई एल्डर, कोई भी जो घर में बड़ा है, उनकी सलाह मशवरा लेकर अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी खुशियाँ ला सकता है, काफ़ी कामयाबी इसमें मिल सकती है। तो इसमें टीम एफर्ट डालने की ज़रूरत है, एनर्जी डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप उनके साथ मिलजुल कर परिवार की सहमति से, फैमिली की सहमति से, या किसी बड़े भाई बहन गुरु मेंटोर की सलाह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी खुशियां हो सकती हैं, और किसी से पूछने में, किसी से की मदद लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मदद से कोई काम बनता है तो वो बहुत अच्छा होता है, वो सही होता है, ठीक होता है। तो आप इसको, किसी की मदद लेकर आप इसमें टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, अपनी एनर्जी डालिए, और परिवारजनों की या फैमिली की, या जिन जो आपके नॉन पर्सन हैं, उनकी मदद से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी खुशियों भरा हो सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी मिलती है, और एक अच्छा कमेंट्स ये वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी देता है। तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।